लक्ष्मीबाई हूँ झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग खेली थी। पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदे लो की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली कथा बुलाई, तीर चलाने वाले कर पे उसे चूड़ियां कब आई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दयाई, विधि को भी नहीं दयाई। संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। पूछा थी झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन पहुंचे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।
विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, सिखानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
की नींव। घोड़े पर सवार दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए रण क्षेत्र में द्रुत गति से भागते घोड़े की रास संभाले और शत्रु दलों को चीरती आगे बढ़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई मानो नवरात्र के अवसर पर स्थापित की हुई तेजस्विनी दुर्गा की सजीव प्रतिमा हो। झांसी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। युद्ध का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ था। रानी रणचंदी की मूर्ति बनी शत्रु सेना पर टूट पड़ी और शत्रु पक्ष के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। जय भवानी और हर हर महादेव के नारों से आकाश गूंज उठा। रंग मंच पर युद्ध भूमि का दृश्य है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही? झांसी, कालपी, ग्वालियर गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटे उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राज साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान देश होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि स्वराज्य मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति तात्या नहीं। मुंदर मुस्कुराती है
ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सकपका कर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह तुत्कार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। लक्ष्मी दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मी बाई, नहीं सुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मी बाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी, और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा नहीं हुआ, पर अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन
यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार इस बार इनको। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन। मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थीं, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की छनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि वह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते ना धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है।